भारतीय ओलंपिक संघ ने शुक्रवार को एशिया ओलंपिक परिषद से संपर्क कर एशियाई खेलों के लिए देश की कुश्ती टीम का विवरण मुहैया कराने की समय सीमा 15 जुलाई बढ़ाने की मांग की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहलवानों ने खेल मंत्रालय से अगस्त में ट्रायल कराने का अनुरोध किया है। IOA को 15 जुलाई तक सभी कैटेगरी की लिस्ट OCA को सौंपनी है। बजरंग पूनिया सहित विरोध करने वाले पहलवान अब एशियाई खेलों के ट्रायल में भाग लेने के इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें शारीरिक फिटनेस हासिल करने के लिए समय चाहिए। ये पहलवान WFI के पूर्व प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लंबे समय से चले आ रहे विरोध प्रदर्शन के कारण तैयारी नहीं कर पाए हैं। राजस्थान से आ रही हवाओं का असर राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली वासियों को शुक्रवार को हुई बारिश ने राहत दिलाई। वहीं शनिवार सुबह भी आसमान में बादल छाए रहे और बारिश का भी अनुमान जताया गया है। माना जा रहा है कि दिल्ली में प्री मानसून बारिश चक्रवात बिपरजॉय के प्रभाव में आई, जिससे शहर के कई इलाकों में बारिश देखी गई, जिसके अगले 3 दिनों तक जारी रहने के आसार हैं। एक्टर सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल 18 जून को अपनी मंगेतर दिशा आचार्य संग शादी के बंधन में बन जाएंगे। बीती रात पूरा देओल परिवार करण के संगीत सेरेमनी में शिरकत करता नजर आया। करण और दिशा ने संगीत सेरेमनी में पहुंचकर पैपराजी को ढेर सारे पोज दिए। करण ने अपनी लेडी लव के कमर पर बड़े ही प्यार से हाथ रखकर फोटोज खिंचवाई। दोनों एक दूसरे के लुक से ट्विनिंग करते दिखे। संगीत सेरेमनी में पापा सनी देओल भी अपने कदर लुक में दिखे, जिससे उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इस लुक ने फिल्म कदर की यादें ताजा कर दी। दादा धर्मेंद्र भी सेरेमनी में पहुंचकर चार चांद लगा दिए। सभी की निगाहें उन पर टिकी रही। सेरेमनी में अभय देओल से लेकर करण के छोटे भाई राजवीर देओल तक पहुंचे थे। चाचा यानी बॉबी देओल भी किसी से पीछे नहीं हटे। वे अपनी वाइफ तानिया देओल का हाथ थामे बड़े ही दिलकश अंदाज में फंक्शन में पहुंचे।